और आज मोदी सरकार का बजट पेश हो चुका है। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री की पूरी टीम को बधाई दी है। नौजवानों को नए अवसर देने वाला ये बजट बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बजट को बताया गया है महत्वपूर्ण। आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी ये भी कहा प्रधानमंत्री ने। महिलाओं की भागीदारी जो है मजबूत होगी। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की बड़ी बातें हैं। जब बजट पेश हुआ उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और क्या कुछ है इस बजट में इसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी ये उन्होंने कहा। साथ ही भारत को लेकर कहा कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। इसकी बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही है। तो मोदी सरकार का आपको बता दी ये 3.0 का पूर्ण बजट जो है आज पेश हुआ। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया। अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया जिस तरह से सातवीं बार लगातार उन्होंने बजट पेश किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट के बाद बड़ी बातें कही। क्या कुछ कहा है एक बार सुन लेते हैं। चले वो भी आपको सुनवाएंगे लेकिन बड़ी जानकारी देते देखिए आज बजट आखिरकार पेश हो चुका है जिसका इंतजार था। इंतजार पूरा हुआ और मोदी सरकार का ये पूर्ण बजट आज पेश हुआ। कई बड़े ऐलान इस बजट में देखने को मिले हैं। चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे अन्नदाता की बात करें, सभी को साधते हुए फोकस रखते हुए कई बड़े ऐलान इस बजट में देखे गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट को लेकर जानकारी दी है। भारत के विकास के लिए रोडमैप बनाएंगे ये भी उन्होंने कहा। भारत आज विकसित भारत की और जो है वो अग्रसर है ये कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जानकारी दी। देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो देखिए बजट को लेकर आप